फैशन रैम वॉक पे आपने भी वॉक किया होगा, कुछ याद है कुछ अगर आप बता सकें कभी आपने रैम वॉक किया होगा? यार मेरे करियर की शुरुआत जब मैं बड़ौदा में रहता था तो रैम वॉक से ही हुई थी, और ताज्जुब की बात यह है कि बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद मैं कभी रैम शो में गया ही नहीं, कभी टाइम ही नहीं मिला। मेरे ख्याल से मुझे आते ही कुछ महीनों में काम वाम मिलना शुरू हो गया था, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बॉम्बे में मैं रैम शो पे आया हूँ, जबकि मेरी खुद की करियर की शुरुआत मिस्टर बड़ौदा, मिस्टर यूनिवर्सिटी और मिस्टर गुजरात, मैं ये तीनों जीत चुका हूँ, तो मेरे लिए कुछ नॉस्टैल्जिक फीलिंग होने वाली ऊपर। यार अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो हैं बट वो अभी ऑन पेपर है, मैं डिस्कस करना अलाउड नहीं है एंड आई एम अ वेरी प्रोफेशनल गाय सो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। ओके बिग बॉस 17 कितना आप देख रहे हैं? कुछ आपकी कोई फ्रेंड गए टेलीविजन नो क्लू फाइट हो रही है, जब आप लोग भी थे तब भी फाइट हो रही थी टेलीविजन वर्सेस यूट्यूबर, अभी भी वही हो रहा है क्या कहना है? हां मैंने सुना है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इस बार भी एक्टर वर्सेस यूट्यूबर हो रहा है, बट बात यूट्यूबर और एक्टर्स की है नहीं, इस चीज़ को क्यों इतना बड़ा बनाया जा रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी अपना काम करके लोगों को एंटरटेन करते हैं, हम भी अपना काम करके लोगों को एंटरटेन करते हैं, उनका ऑडियंस अलग है हमारी ऑडियंस अलग है, सो क्या फ़र्क पड़ता है इसमें, इसमें लड़ाई की बात है ही क्या, और ये क्यों मुद्दा इतना बड़ा बना दिया गया है वो भी मेरे समझ में नहीं आ रहा। और फ्रैंकली मैं बिग बॉस 17 देख नहीं रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरे कुछ दोस्त हैं, अंकिता को मैं जानता हूँ क्योंकि हम एक वक्त पे जी का शो साथ में करते थे, नील को मैं जानता था क्योंकि उस वक्त वो भी जी का शो करते थे करोल बाग, तो नील काफ़ी शांत पर्सनालिटी है। हाँ ऐसा मुझे प्रोमो में देख के लगा, मुझे थोड़ी सी अपनी खुद की याद आ रही थी कि ये बेचारा थोड़ा सा सीधा साधा बंदा है, पोक करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जैसे मुझे करते थे। और वाइफ भी उनको काफी उनको परेशान कर रही है, मतलब वाइफ भी उनको बार बार डांट रही है। अरे बाप रे बाप, आप समझ रहे हैं मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है यार, मुझे दिल के लिए बुरा लग रहा है, डांट लग रही है उनको। यार वो जेन्युइनली बंदा बहुत अच्छा है, सो आई होप कि उसके साथ सब कुछ अच्छा हो और वो ठीक से रहे उस घर में। आपको लगता है अंकिता लोखंडे जीत पाएगी? वो बराबर भी है उसके अंदर, यार जीत कौन पाएगा मैं ऐसे तो बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ डेफिनेटली जितना मैंने प्रोमोज में देखा है मुझे विक्की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट दिखते हैं, और मुनावर तो स्ट्रॉन्ग है ही एनी डे, अंकिता भी है, आई होप नील भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट निकल के आए उसका भाग। अच्छा इलीट ग्रुप, आप लोग मतलब एक साथ रहते हैं, मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, और दूसरा जो ग्रुप है वो कभी एक साथ आता ही नहीं है। यार अब आपके सामने है, बहुत ही जेन्युइन सी चीज़ आपने पूछी है, उसका जवाब भी आपको पता है। अब ये मेरे दोस्त फॉर लाइफ बन गए हैं तो बन गए हैं, अब वो कहीं जाने नहीं वाले, भले वो पूजा जी हो, बेबिका हो, जैड हो या फलक हो, ये एक्चुअली उस घर से जो कमाई हुई है वो ये रिश्ते ही हुए हैं, और ये रिश्ते कहीं नहीं जाने वाले अब। लेकिन आप लोग एक साथ रहते हैं और इलीट ग्रुप रखा गया आपको? हाँ हम मिलते हैं, हम मस्ती करते हैं जैसे दोस्त होते हैं, वो सिर्फ किसी का किसी से फ़ायदा है इसलिए दोस्ती नहीं बनाई गई है, कोलैबोरेशन करने के लिए दोस्ती नहीं बनाई गई है, म्यूज़िक वीडियो करने के लिए दोस्ती नहीं बनाई गई है, हम दोस्त हैं भले वो काम से रिलेटेड हो या ना रिलेटेड हो। जब पार्टी भी हुई थी तब बेबिका ने बोला था कि अभिषेक आएगा तो अभिषेक वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, ऐसा बेबिका ने कहा था। यार ये बहुत ही किडिश चीज़ें हैं और आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, मेरे लिए बिग बॉस एक शो था, खत्म हो गया, टॉपिक इज ओवर। करेक्ट करेक्ट, लेकिन एल्विश के ऊपर काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने रेप पार्टी करवाते हैं और सांपों का ड्रग्स करवाते हैं, क्या कहना चाहोगे? आई डोंट नो, एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन हम क्या है क्योंकि मैं उस इंसान को पर्सनली जानता नहीं हूँ, सो वो इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो ना ही मेरा लुकआउट है और ना ही मेरा कोई हक बनता है मैं उस पर कुछ बोलूँ। हाँ देख के मुझे बुरा लगा कि ऐसा उसके बारे में बाहर आ रहा है, कितना सच है वो मुझे नहीं पता। एक पॉपुलैरिटी जो मिलती है इंसान को, मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि वो सही यूज़ करना चाहिए क्या आपको क्या लगता है? देखो भाई साहब ज़िंदगी में ना पॉपुलैरिटी बहुत मशक्कत करने के बाद मिलती है, कुछ लोगों की पॉपुलैरिटी 6 महीने की होती है, कुछ लोगों की 6 साल की होती है, कुछ लोगों की 60 साल की होती है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 6 महीने वाला काम करना चाहते हैं कि आप 6 साल वाला काम करना चाहते हैं आप 60 साल वाला काम करना चाहते हैं, सिंपल सी चीज़ है। अगर आप अपनी पॉपुलैरिटी को एक्सप्लॉइट करोगे तो कर्मा इज अ बिच जैसे कहते हैं, तो वो तो मुड़कर आपके आपको थप्पड़ देगा ही देगा,
तो मुझे जिस चीज़ की सच्चाई नहीं पता, मुझे उसकी गहराई नहीं पता, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, करेक्ट। लेकिन हम भी ये बात बोलना चाहिए कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस ने कहा है कि अभी तक तार जुड़े नहीं है, तो कहीं ना कहीं okay. जो हमें जो यार आई होप कि उसने ऐसा कुछ ना किया हो और वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी था हमने साथ में काम किया है, मैं उसे जितना भी पर्सनली जानता हूँ शो के दौरान वो बहुत ही जैसा इंसान मुझे लग रहा था। हाँ, तो आई होप उसके साथ ये सब चीज़ें ना हो। ओके, वन लास्टली मैसेज टू योर फैंस। यार आज भी मैसेज आते रहते हैं बिग बॉस से रिलेटेड, और थैंक्स टू दोज पीपल जो आज भी मेरी गेम को सराहते हैं कि जिस तरीके से मैंने बिग बॉस में अपनी सिचुएशंस हैंडल की थी, एंड जो मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ हमसे प्यार करते रहिए, क्योंकि अगर आप हमसे प्यार नहीं करेंगे तो आपके प्यार के बिना हम कुछ नहीं।